हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कठपुतली कला के प्रकार। आज हम कठपुतली कला के प्रकार देखेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कठपुतली कला का इतिहास, उसके बारे में सारी चीजें जानी थी, ठीक है। आज हम देखेंगे कि जो भारत में जो मुख्यतः जो प्रचलित कठपुतली के जो प्रकार माने जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत में जो प्रचलित कठपुतली है वो चार प्रकार के माने गए हैं। उनमें से जो सबसे पहला है वो है हस्त कठपुतली, ठीक है, यानी कि हाथ या हस्त कठपुतली, इसको दस्ताना कठपुतली भी कहा जाता है। दूसरा है छड़ या सलाखा कठपुतली, और तीसरा जो है वो है सूत्र या धागा कठपुतली, और चौथा जो है वो अपना है छाया कठपुतली, ठीक है। ये चारों ही जो है उसका भारत में बहुत ही मतलब प्राचीन समय से बहुत ही महत्व रहा है, और इनको अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में बहुत ही प्रचलित है ये, और अपने अपने राज्य में इनको जो है वो मनोरंजन की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्व दिया जाता है। तो सबसे पहली जो बात हो जाती है वो है अपनी हाथ या हस्त कठपुतली की। तो ये जो हस्त कठपुतली है इसको इसलिए इसको हस्त कठपुतली के साथ साथ इसको दस्ताना कठपुतली भी कहा जाता है। अब दस्ताना कठपुतली इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से मानव के द्वारा जिस तरीके से अपने हाथों में दस्तानों को पहना जाता है, उसी प्रकार से इन कठपुतलियों को क्या किया जाता है कि अपने हाथों में पहनकर, ठीक है, हाथों में दस्तानों की तरह पहनकर व्यक्ति के द्वारा यानी कि कलाकार के द्वारा कठपुतली का नाच कराया जाता है। साथ ही साथ में इसमें क्या होता है कि हस्त कठपुतली के अंतर्गत जो कलाकार होता है यानी जो सूत्रधार होता है इसका, उस व्यक्ति के द्वारा जो कठपुतली नचाने का जो कार्य है वो ये जो कार्य किया जाता है वो मनोरंजन के साथ साथ धार्मिक विधि विधानों के लिए किया जाता है। मतलब जो हस्त कठपुतली है उनका जो प्रोग्राम से जो खेल वो एक मनोरंजन के लिए भी कराया जाता है, लेकिन साथ ही साथ में इसका धार्मिक विधि विधान के लिए, अनुष्ठानों के लिए इसका विशेष महत्व माना जाता है, तो वहां पर इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो जो सूत्रधार होता है इसका वो जो है मतलब एक अग्निकुंड होता है, इसको जब नचाने का जो कार्य है वो किस प्रकार होता है कि एक अग्निकुंड होता है और इसका जो सूत्र उसका जो सूत्रधार होता है वो इस अग्निकुंड के क्या करता है, आजू बाजू कहीं भी बैठा होता है और फिर बैठकर उस अग्निकुंड के पास में फिर इसको नचाने का कार्य करता है, ठीक है। साथ ही साथ में इसके लिए जो प्रमुख राज्य है, मतलब भारत में किस राज्य में हस्त कठपुतली का जो कार्य है वो किया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा जहां पर इसका प्रचलन है, मतलब जहां पर हस्त कठपुतली जो है वो उसका खेल दिखाया जाता है, उसके लिए जो प्रचलित राज्य है वो कौन सा है, केरल है, ठीक है, केरल राज्य है। और यहाँ पर हस्तपुतली को, ठीक है, हस्त कठपुतली को यानी कि केरल राज्य में इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो केरल में इसे पाव कुथु, क्या कहा जाता है, पाव कुथु या पाव कली कहा जाता है, ठीक है। तो इसको पाव कुथु या पाव कली के नाम से भी केरल राज्य में जाना जाता है, यानी कि हस्त कठपुतली के साथ साथ इसके जो अन्य नाम है वो है दस्ताना कठपुतली भी है, और केरल राज्य में इसको पाव कुथु और पाव कली के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा छड़ या सलाका कठपुतली। तो छड़ या सलाका कठपुतली जो होती है वो हमारी छड़ या सलाका के द्वारा बनी होती है। इसमें क्या होता है कि ये क्या है, पूरी छड़ या सलाखा का बना हुआ होता है, तो इसकी आकृति जो है एक रॉबक जैसे देखने को मिलती है, ठीक है। तो छड़ से बना होता है तो इसके जो सूत्रधार होते हैं उसमें क्या किया जाता है कि जो उनका जो रॉबक जैसा दिखने वाली जो कला है, उस जो पुतली है उसका जो सिर होता है, उस सिर के दोनों सिरों पर क्या किया जाता है, उसे छड़ के माध्यम से बांध दिया जाता है, और फिर उस छड़ को क्या किया जाता है, हिलाया डुलाया जाता है, इस प्रकार से इसका नाच होता है। लेकिन साथ ही साथ में इस छड़ के अंतर्गत क्या होता है कि छड़ या सलाका कठपुतली के अंतर्गत क्या है कि एक से अधिक जो है वो सूत्रधारों का प्रयोग होता है, मतलब एक सूत्रधार के द्वारा इसे नचाने का कार्य नहीं होता है, मतलब और भी सूत्रधार जो है वो इस कार्य में उनका सहयोग करते हैं। साथ ही साथ में बात हो जाती है कि इसके लिए प्रमुख जो एरिया है, मतलब किस किस क्षेत्र में
इसका प्रचलन है। तो जो शलाखा कठपुतली होती है इसका सर्वाधिक प्रचलन जिस राज्य में है वो है बंगाल। ठीक है, बंगाल राज्य में शलाखा कठपुतली का प्रचलन देखने को मिलता है। और ये जो शलाखा जो ये जो शलाखा कठपुतली होती है इनकी जो लंबाई है वो कितनी होती है, तो उनकी लंबाई 4 से 5 फुट की होती है। ठीक है, 4 से 5 फुट की होती है। और 4 से 5 फुट की जो कठपुतली वो होती किस एरिया में है, जहां पर बंगाल में बात कर रहा है। ठीक है, जहां बंगाल की बात हो रही है वहां पर, तो बंगाल में जो है शलाखा कठपुतली जो होती है वहां पर उसकी जो लंबाई देखी जाती है वो 4 से 5 फुट की होती है। और साथ ही साथ इसे बंगाली भाषा में जिस नाम से जाना जाता है, ठीक है, शलाखा कठपुतली को बंगाल में जिस नाम से जाना जाता है वो है पुतुल नाच या पुतुल खेला के नाम से भी जाना जाता है। यानी बंगाल में इसे बंगाली भाषा में किस नाम से जाना जाता है, शलाखा कठपुतली को पुतुल नाच या पुतुल खेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब उसी तरीके से क्या है, ये जो शलाखा कठपुतली है बंगाल में, तो जब इस पुतली को जो बनाया जाता है वो कितनी फुट की होती है, 4 से 5 फुट की होती है। ये तो बात हो गई बंगाल की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा में भी इसी शलाखा कठपुतली को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है काठी कुंदेही। ठीक है, काठी कुंदेही के नाम से जाना जाता है किसको, ये शलाखा कठपुतली को, कहां पर, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में इसको किस नाम से जाना जाता है, काठी कुंदेही के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ में ये जो उड़ीसा में जो बनाई जाती है शलाखा कठपुतली, तो इसकी जो हाइट होती, इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 12 से 18 इंच होती है। तो वहां पर क्या देखा, बंगाल में तो कितनी है, 4 से 5 फुट होती है। फुट बहुत ज्यादा होता है, इंच बहुत कम होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। और यहाँ पर उड़ीसा में आके क्या हो जाता है, उड़ीसा में आके इसका नाम भी चेंज है, कौन सा है, काठी कुंदेही हो जाता है। और कितनी इंच की है, 12 से 18 इंच की इसकी लंबाई होती है। और साथ ही साथ में क्या होता है कि बंगाल में, देखो बंगाल में जो शलाखा कठपुतली है इसको नचाने का जो कार्य है सूत्रधार के द्वारा जो किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है, खड़े होकर किया जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे क्या है कि बंगाल में जो कठपुतली देखने को मिलती है शलाखा, उनकी हाइट क्या होती है, लंबी होती है, वो लंबी होती है हाइट में, तो उसको नचाने का कार्य जो है वो सूत्रधार के द्वारा खड़े होकर किया जाता है। और एक से अनेक सूत्रधार है उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन ये उड़ीसा के अंतर्गत क्या होता है कि जो ये कठपुतली जो होती है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, 12 से 18 इंच का होता है। इसीलिए इसके सूत्रधार क्या करते हैं, इसे बैठकर नचाया जाता है कठपुतलियों को।